गवर्नमेंट एग्जाम्स में पेपर लीक करने पे आपको 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपए तक की फाइन की सजा हो सकती है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर एंटी चीटिंग बिल को प्रेजेंट किया इस बिल का ऑफिशियल नेम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन बिल ट्वेंटी और इस बिल को ट्यूजडे को लोकसभा के अंदर पास भी कर दिया गया इस बिल का पर्पस है गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग और मेन प्रैक्टिस को कंट्रोल करना इस बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडिविजुअल एग्जाम के अंदर चीटिंग करता है या अनफेयर का यूज करता है एग्जाम पास करने के लिए तो उसे मिनिमम तीन साल की जेल और दस लाख रुपए तक का फाइन सबमिट करना होगा सजा एक्सटेंड की जा सकती है पांच साल तक इसी के साथ जो सर्विस प्रोवाइडर है जो अथॉरिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है अगर वो अथॉरिटी एग्जाम पेपर लीक करती है या आंसर शीट के साथ में टेम्परिंग करती है सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करती है या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो करती है जिससे किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का फायदा हो तो उस अथॉरिटी को 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपए तक का फाइन सबमिट करना होगा इसी के साथ अगले चार साल तक वो अथॉरिटी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाएगी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, बी ऑफ यूपीएससी एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट एक्सेट्रा इस बिल के अंदर कवर किया गया है इस बिल के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सब कॉग्निजेबल हैं नॉन बेलेबल हैं एंड नॉन कम्पाउंडेबल है विच मीन्स एक्यूज्ड पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है उसे बेल डिनाई की जा सकती है और आप इस केस को कॉम्प्रोमाइज के थ्रू सेटल नहीं कर सकते गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर पेपर लीक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मेजर है पिछले पांच साल के अंदर फोर्टी वन केसेस रजिस्टर किए गए हैं जहां पे एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि पेपर लीक हो गया था इसी वजह से अप्रोक्सीमेटली डेढ़ करोड़ स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ा वट डू यू थिंक की क्या इस बिल से पेपर लीक की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्रोमोट सच इन्फॉर्मेटिव की फॉलोइंग